अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूं इंशाल्लाह आप सब ठीक होंगे। आज हम बनाएंगे मिक्स वेजिटेबल सैंडविच, जो कि बहुत मजे का होगा और बाजार से बेहतरीन हम घर में बनाएंगे। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लें और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें, इससे क्या होगा मेरे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। ये देखें, मैंने एक बाउल लिया, इसके अंदर 1 टेबलस्पून मैंने डाल दिया है मेयोनीज, 1 टीस्पून में डाल रही हूँ कैरेट, 1 टीस्पून में डाल रही हूँ शिमला मिर्च, 1 टीस्पून में डाल रही हूँ कैबेज, और थोड़ा सा इसमें हम डालेंगे ब्लैक पेपर, सॉल्ट 1 पिंच के करीब। अब हम इसको मिक्स करके एक साइड पे रख देंगे। मैंने तकरीबन 4 स्लाइसेस लिए हैं, उसके कॉर्नर्स मैंने उतार लिए हैं। अच्छा, ये मैंने बनाई थी गार्लिक सॉस और ये बहुत जल्दी बनने वाली है, वीडियोस में आपको इसकी रेसिपी मिल जाएगी। तो ये बहुत अच्छा सैंडविच में टेस्ट देती है, तो ये आप अपनी टेस्ट के मुताबिक लगा सकते हैं। अब इसके अंदर हम लगाएंगे ये जो हमने बनाई थी ना वेजिटेबल्स। अब हम इसके ऊपर गार्लिक सॉस लगाएंगे। अब इसके ऊपर हम ये चीज रखेंगे, आप किसी भी ब्रांड की चीज लगा सकते हैं। अच्छा जी, अब फिर अगेन हम इसके ऊपर रखेंगे ब्रेड और फिर से वही सॉस लगाएंगे। अब इसके ऊपर हम दोबारा से वही वेजिटेबल लगाएंगे जो थोड़ी सी हमने बचा ली थी। और ये जो कुछ वेजिटेबल्स हमारे पास बच गई थी, जैसे कि ये ऑलिव्स, ये हम डाल देंगे। आप चाहें तो आप ग्रीन ऑलिव्स भी डाल सकते हैं, आप चाहें तो आप ब्लैक भी डाल सकते हैं। अब इसके हम इधर हम डालेंगे थोड़ा सा टोमेटो और कुकम्बर। अब हम इसके ऊपर इसको बंद कर देंगे। ये देखिए, मैंने तवा रख दिया है और ये देखिए मैंने जो सैंडविच बनाया था इसके एक हिस्से पे मैंने बटर लगा दिया, और हम जिस हिस्से पे बटर लगाया है वो हिस्सा हम नीचे करेंगे। हल्का सा इसको प्रेस करेंगे और इसी तरह हम दूसरे हिस्से पे भी हल्का सा बटर लगाएंगे। ये देखें, एक तरफ से हमारा लाइट गोल्डन कलर आ गया है। अब हम इसको थोड़ा सा टर्न करते हैं, ये हल्का से इसको प्रेस करेंगे। ये देखें, सैंडविच जो है हमारा बन के रेडी हो गया। इसको हम सेंटर से कट करेंगे। इस तरह पहले मैं अपनी सैंडविचेस की उसमें वीडियोस में बता चुकी हूँ कि ऐसे ही लटा के करेंगे तो सब चीजें बाहर निकल आएंगी, तो जब भी करें तो छुरी को थोड़ा खड़ा करके करें। ये देखें कितना प्यारा इसको कलर आया। तो चलिए, जब हम इसको फाइनल लुक के साथ सर्व करते हैं। देखिए, मिक्स वेजिटेबल सैंडविच बनके हमारा रेडी हो गया और कितना मजे का, कितना यम्मी। अपने बच्चों को आप जरूर ट्राई करें, इंशाल्लाह उनको बहुत मजे का लगेगा। और आप फिर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना आपको रेसिपी कैसी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो अपने फैमिली फ्रेंड्स से जरूर शेयर करें और चैनल पर जाके जरूर सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक के पेज को जरूर लाइक करें। इंशाल्लाह मैं नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़।